साइकिल पर होकर सवार 37 किलोमीटर का सफर तय कर लोगों को देंगी ये संदेश कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। दो बेटियां, उम्र 7 वर्ष की सानवी और मैं और बाकी बच्चों को ये मैसेज देना चाहूंगी कि फोन से और टीवी से दूर रहें, हो सके उतना दूर रहें और स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखें अपना। 9 वर्ष की रक्षिता, कई लोग क्या करते हैं, बेटियों में बहुत भेदभाव करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। राजस्थान से दोनों रहने वाली हैं और कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल पर होकर सवार 3700 किलोमीटर का सफर तय कर लोगों को देंगी ये संदेश कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। संत कहेंगे, संत लिखेंगे, संत चलेंगे। दैनिक सेट समाचार में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं अरुण शर्मा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो है काफी समय से दिया जा रहा है, लेकिन दो बेटियां, राजस्थान की दो बेटियां अब इस मिशन पर निकल चुकी हैं और वो भी साइकिल पर होकर सवार 3700 किलोमीटर का सफर तय करेंगी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जाएंगी और क्या मैसेज रहेगा इनका, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ और क्या मैसेज देंगी ये लोगों को, तो हम इन्हीं की जुबानी सुनेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि नन्हे सी उम्र में इतना बड़ा बीड़ा इन्होंने उठाया है, लेकिन इनके साथ की बात करें तो इनके पिता इनके साथ हैं। तो आइए कुछ दृश्य मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से ये साइकिलिंग कर रही हैं, इनका जज्बा जो है वाकई इनके जज्बे को सलाम करना होगा। और आइए सुनाते हैं क्या कहती हैं ये दोनों बेटियां और क्या कहते हैं इनके पिता। मेरे पापा मेरे साथ हैं और जो मेरी मम्मा दादी और दादा हैं वो सब मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और हम लोग इसीलिए जा रहे हैं। मैं और बाकी बच्चों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि फ़ोन से और टीवी से दूर रहें, हो सके उतना दूर रहें और स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखें अपना। मेरा नाम रक्षिता चौधरी है और मेरी एज 9 साल है और हमारा ये टूर है कश्मीर से कन्याकुमारी तक का। हमने इस टूर का आरंभ किया है कश्मीर से लाल चौक में और हमारा एंड होगा ये टूर कन्याकुमारी में। और हमारा मोटो है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और इसके बीच का डिस्टेंस रहेगा 3700 किलोमीटर का। और मुझे इस टूर में काफ़ी कुछ अच्छा मतलब लगा और कश्मीर भी बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैं आप सभी पेरेंट्स से निवेदन करती हूँ कि अपने बच्चों को फ़ोन और टीवी से दूर रखें और उनको हो सके उतना स्पोर्ट्स में आगे करें। और आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती है और मैं आप सभी से ये भी निवेदन करती हूँ कि कूड़ा जो है वो आप डस्टबिन में डालिएगा, बाहर मत फेंकिएगा। और मुझे साइकिलिंग करने में काफ़ी शौक़ है तो बस मैं इसीलिए जा रही हूँ। और ये जो हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कई लोग क्या करते हैं, बेटियों में बहुत भेदभाव करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। पेरेंट्स मेरे, मेरा नाम रमेश चौधरी है, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ और हमारा एक उद्देश्य है कि हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों को जागरूक करते हुए हमें जाना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आजकल एक को वो पहले ही उम्मीद ही लड़के की रखते हैं क्योंकि भ्रूण हत्या, लड़कियों में भेदभाव, दहेज प्रथा, तो लड़कियों को उतनी समानता दी जाए जितनी बेटों को दी जाती हैं। और मेरे खुद को 2 बेटियाँ हैं और मैंने 2 बेटी ही मुझे रखनी है, वो मेरी उसी पूरे सहयोग के दौरान, मेरे पूरे सफ़र के दौरान मेरी बेटी मेरे साथ है और हम ये सफ़र कर रहे हैं कि बेटियों को ज़्यादा भेदभाव ना किया जाए और उनको समानता के साथ बेटे और बेटी में कोई फ़र्क ना समझा जाए। पब्लिक को ये मैसेज देना चाहूँगा कि बेटी लड़के की उम्मीद में कुछ लोग बेटियों को 1 बेटी 2 बेटी 3 बेटी, तो जनसंख्या वृद्धि भी एक मेन कारण यही है। दूसरी बात क्या है कि हमें परिवार को छोटा रखना और बेटियों में भेदभाव नहीं करना। बेटी को अगर हम उस काबिल बना दें कि बेटे की ज़रूरत ही ना पड़े तो उनको पढ़ाई में अच्छी शिक्षा दे के उनको आगे लाना चाहिए और बच्चों को सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स में जोड़ना चाहिए, ना कि अपने खाना खा रहे हैं बेटा मोबाइल ले लो, मम्मी बिजी है बेटा मोबाइल ले लो। बच्चों पे पूरा ध्यान देना चाहिए और बच्चों को स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, ना कि साइकिलिंग में। आपको जो पसंद है बच्चे को, जो आप करवा सकते हैं, जो पॉसिबल है वो उसको उस क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। कब चले थे हम? 30 तारीख को दोपहर में 1 बजे हम चले थे लाल चौक श्रीनगर से और हमने पहले दिन वनपो में स्टे किया, दूसरे दिन हमने बघलियार में स्टे किया और बघलियार से हम आज, रास्ता ख़राब होने की वजह से सुबह बारिश हो रहा था इसलिए हमने अभी उधमपुर क्रॉस किया और अभी आज हमें लगभग जम्मू या जम्मू से पहले पहुंचना है।